हेलो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द रजिस्टर्स दैट इज स्पेशली बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल सो आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्री एग्जांपल्स थ्रू विच यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट बिहाइंड सीरीज एंड पैरल सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे तो इस क्वेश्चन में यहाँ मैंने थ्री एग्जांपल्स वन टू थ्री लिए हैं और इन तीनों क्वेश्चंस का कन्वर्टेड फिगर भी मैंने बनाया है ठीक है ऑलरेडी बना के रखा है मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा देखो सबसे पहले यहाँ पे वन टू थ्री रजिस्टर्स हैं और यहाँ पे ये यह दो वायर कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं ठीक है तो यहां मैंने एक का पोटेंशियल वी माना तो आपको मालूम है कि इस वायर का पूरे का पोटेंशियल वी होगा क्योंकि यहां पे कोई रजिस्टर है नहीं तो ड्रॉप होगा नहीं तो यहाँ पे भी क्या होगा बी होगा इसी तरह से अगर यहाँ जीरो बी निगेटिव से होगा इसलिए बी अगर यहाँ पे जीरो है तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा जीरो पे होगा तो इसका मतलब है ये वाला पहला रजिस्टर बी और जीरो के बीच में दूसरा रजिस्टर बी और जीरो के बीच में तीसरा रजिस्टर भी बी और जीरो के बीच में इसका मतलब यहाँ पे तीनों कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल है स्पेशली कैसा कॉम्बिनेशन है तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो यहां मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों का बना रखा है इस तरह से ये फिगर आपका इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ बात करते हैं यहां रजिस्टर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे सिक्स रजिस्टर्स कुछ इस तरह से अरेंज है और यहाँ पे डायगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं ठीक है तो मैंने यहां का ए का पोटेंशियल माना बी तो यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा वी यहां भी कितना होगा वी इसी तरह से बी का अगर यहाँ देखा जाए तो ये जीरो है तो यहाँ भी क्या होगा जीरो और यहां भी क्या होगा जीरो होगा तो हमने इस बीच वाले को एक्स मान लिया क्या मान लिया एक्स मान लिया तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा मतलब है पोटेंशियल है वो वी एक्स और जीरो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यहाँ पे क्या है वी है और यहाँ पे क्या है एक्स है यहाँ पे जीरो है तो अब हम वी और एक्स के बीच में क्या देख रहे हैं कि ये दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं ठीक है वी और एक्स के बीच में एक एट ओम एक टू ओम तो यहां मैंने वी और एक्स के बीच में पैरल में दोनों को अटैच कर दिया इसी तरह से यहाँ x और जीरो के बीच में कौन अटैच है फोर और सिक्स दैट इज फोर और सिक्स किसके बीच में अटैच है x और जीरो x और जीरो और ये आपका वी और जीरो के बीच में कौन अटैच है ध्यान से देखो थ्री ओम और वी और जीरो के बीच में कौन अटैच है सिक्स ओम तो यहां पे मैंने सिक्स को नीचे और थ्री को ऊपर ऐसे लगा दिया क्लियर अच्छा इस फिगर को ऑब्जर्व करो जरा इस फिगर को ऑब्जर्व करो तो ये क्या है ये यहाँ पे ए टर्मिनल है यहाँ पे बी है और ये पूरा ऐसा सर्कल बना हुआ है और यहाँ रजिस्टर्स यहाँ पे आर 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 लगे हुए हैं यहाँ पे भी आर है अब मैंने बीच वाले को एक्स मान लिया क्या मान लिया एक्स मान लिया अब चूंकि ये यह यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा ए का पोटेंशियल अगर मैंने बी माना है तो यहाँ पे बी पे जीरो होगा तो ये यह जीरो यहाँ भी जीरो होगा यहाँ भी जीरो होगा यहाँ भी जीरो होगा क्योंकि कोई रजिस्टर लगा नहीं है तो ड्रॉप होगा नहीं तो अल्टीमेटली वो जीरो ही रहेगा तो अब इसको देखो इस एक्स और जीरो के बीच में आर एक्स और जीरो के बीच में आर एक्स और जीरो के बीच में आर तो यहां पे आर 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 ये कैसे हैं पैरेलल हो गए और इसके साथ ये जो आर लगा हुआ वी और एक्स के बीच में ये वी और एक्स के बीच में आर ये इसके साथ सीरीज में हो गया बात समझ में आ रही है तो ये फिगर बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो गया और आप इस फिगर के थ्रू इजीली अपने क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं अच्छा एक बात बताओ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ, यहां पे अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूं तो सोल्यूशन इसका क्या होगा चलो मैं इसका सोल्यूशन सॉल्व करता हूं देखो देखते जाओ कि वन अपान जो आर होगा वो होगा वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री होगा इसका मतलब है यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री का एल्शियम देखो टू थ्री फोर कैल्शियम क्या होगा यहाँ पे हम सिक्स लिख सकते हैं ठीक है अब चलो पहले अच्छा मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ वन अपान टू प्लस वन अपान थ्री प्लस वन अपान फोर ठीक है अब ये टू थ्री जा क्या होगा सिक्स तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा और प्लस थ्री टू जा सिक्स तो यहाँ पे टू आ जाएगा प्लस फोर ठीक एक बात बताओ टू थ्री फोर कैल्शियम क्या होगा ठीक है यहाँ पे सिक्स ना हो बल्कि क्या होगा ट्वेल्व होगा एक बार इसको थोड़ा सा मैं सही कर रहा हूँ ठीक है टू थ्री फोर का एल्शियम क्या होगा ट्वेल्व होगा तो टू सिक्स यहाँ पे मैंने सिक्स लिखा थ्री फोर या ट्वेल्व यहाँ मैंने फोर लिखा और यहाँ पे फोर थ्री या ट्वेल्व यहाँ पे मैंने थ्री लिखा ठीक है वो मैंने एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गया था सिक्स नहीं बल्कि क्या होगा टू थ्री होता तो उसका एल्सियम सिक्स हो जाता फिलहाल टू थ्री फोर है तो एल्सियम ट्वेल्व होगा ठीक है तो अब इसको मैंने ऐड कर लिया सिक्स फोर टेन प्लस 3, 13, 13 12, तो ये वन अपान आ रहा है, इसका मतलब है आर हमारे पास कितना होगा होगा ये हमारा 12 by 13 ओम, आर हो गया कोई confusion? अच्छा इसका आंसर बताइए जरा बाई टू और एट क्या है पैरेलल में है टू यहाँ पे फोर और सिक्स क्या है पैरेलल में है तो मैं सबसे पहले इसका सोल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं पहले मैं इन दोनों का सोल्यूशन सॉल्व करता हूँ तो आपको मालूम है आर क्यू कैसे निकालते हो ठीक है एट और टू का आर क्यू बैलेंट क्या होगा बाई टू इंटू एट डिवाइडेड बाई टू प्लस एट बोलो तो टू एट सिक्सटीन बाई टेन ये हमारा क्या है आर क्यू है किसका एट और टू का फोर और सिक्स का देखो तो फोर और सिक्स का आर क्यू कितना होगा फोर इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई फोर प्लस सिक्स दैट इज टेन ठीक है तो फोर सिक्स कितना होगा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टेन ना अब ये दोनों सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर दोनों कैसे हैं अब भाई ये दोनों आर इक्ट जो आपने निकाला इसको मान लो तो ये दोनों आपके क्या है इक्वैलेंट तो तो डबल डैश इक्वेलेंट क्या होगा सिक्सटीन बाई टेन प्लस ट्वेंटी फोर बाई टेन ठीक है दैट इज ये हो जाएगा फोर्टी बाई टेन दट इज फोर जा फोर्टी ओम दैट इज यहां पे क्या आ गया आपके पास फोर ओम आ गया ठीक है मतलब ये बीच वाले पूरे का सोल्यूशन क्या है फोर ओम तो बीच में फोर ओम अगर लगा दिया जाए इस पूरे के प्लेस पे तो फोर थ्री एंड सिक्स क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे तो अगेन हमारा जो सोल्यूशन आर होगा वो क्या होगा वन अपान थ्री प्लस वन अपान फोर प्लस वन अपान सिक्स होगा थ्री फोर सिक्स का एलसीएम क्या होगा ट्वेल्व होगा तो थ्री फोर 12 ट्वेल्व फोर लिखा यहाँ पे फोर थ्री जर ट्वेल्व थ्री लिखा प्लस सिक्स टू जैर ट्वेल्व यहाँ पे टू लिखा तो फोर थ्री ठीक है सेवन और टू नाइन तो यहाँ पे क्या हो गया नाइन बाई ट्वेल्व हो गया तो यहाँ पे आपका ये देखो ध्यान से देखना ये जो आर है ना वो वन अपान आर के टर्म में लिखा जाता है तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वन अपान आर ही लिखा हुआ है ठीक है बाद में हम रिवर्स करेंगे इसको तो वन अपान आर लिखा तो थ्री थ्री जर नाइन थ्री फोर ट्वेल्व ट इज आर सिंपली आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास फोर बाई थ्री ओम कितना आएगा फोर बाई थ्री ओम आएगा कोई कंफ्यूजन नहीं क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है आपको आपको भी मालूम है कि इसका सोल्यूशन हमारे पास कि, कितना आ गया फोर बाई थ्री ओम तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कितना आया फोर बाई थ्री ओम ठीक है और इसका आपने निकाला था इसका कितना आया था ट्वेल्व बाई थर्टीन ओम अब हम बात करते हैं लास्ट वाले इस फिगर की बात करते हैं ठीक है इस फिगर में मैंने क्या कहा कि ये जो आपका कन्वर्टेड है आर और यहां पे तीनों आर कैसे हैं ऑब्वियस है कि ये आपके क्या है पैरेलल में है तो इसका हम सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं इसको देखिए पहले तो सबसे पहले इन तीनों का निकाल लेते हैं तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास मालूम है कितना आएगा वन अपान आर ठीक है चलो इसको वन अपान आर क्यू वैलेंट कर दो बार बार मैं आरक्यू वैलेंट लिखता हूँ लेकिन आपको भी मालूम है कि वन अपान आर इज टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री होगा तो यहाँ पे वन अपान आर प्लस वन अपान आर प्लस वन अपान आर होगा तो इसका मतलब ये हो गया थ्री बाय आर दैट इज आर बाय थ्री ठीक है कोई दिक्कत तो r/3 मेरे पास क्या आ गया इसका सलूशन आ गया अब इस r/3 के साथ ये r क्या है सीरीज में है तो इसका मतलब है कि हमें r इक्विवेलेंट अगर निकालना है नेट इक्विवेलेंट r' इक्विवेलेंट मान लो r' है तो r' क्या होगा r आर r/3 आर होगा ठीक है तो ये 3r r दैट इज 4r/3 ठीक है तो इसका एक r' इक्विवेलेंट कितना आ गया 4r/3 हो तो देखो इसका सोल्यूशन कितना आया इसका सोल्यूशन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फोर आर बाई थ्री ओम ठीक है और इसका कितना आया था आपका ट्वेल्व बाई थर्टीन ओम तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं इजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इस फिगर को कन्वर्ट करना आपको आ गया तो ठीक है अच्छा एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बने होते हैं देखो ऐसा फिगर आपका बना रहेगा ठीक है एक जो है यहां पे देखो इस तरह से यहां पे क्या लगा देगा एक रजिस्टर यहां लगा देगा एक रजिस्टर यहां लगा देगा एक रजिस्टर यहां लगा, लगा देगा और एक रजिस्टर यहां लगा देगा इसी तरह से एक रजिस्टर बीच में भी लगा देगा अब यहां पे दे देगा कि ये टू है ये फोर है ये टू है ये फोर है और ये दे देगा सिक्स आपको पूछेगा कि इस ए और बी के बीच में मतलब है मतलब कितना होगा ये मतलब है इस टर्मिनल A और B के बीच में बताइए। ठीक है तो एक बैलेंस कंडीशन होती है क्या होती है बैलेंस कंडीशन ठीक है बैलेंस कंडीशन किसकी व्हीट स्टोन की होती है कि पी अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस होना चाहिए है ना इसका मतलब है ये हमारा P है ये हमारा Q है ये हमारा R है ये आर एस है तो अगर P अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस है तो ये हमारा सिस्टम बैलेंस होता है और इस बैलेंस कंडीशन में क्या होता है इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है मतलब है अगर ये मान लो कि x है और ये y है तो x और y का पोटेंशियल सेम हो जाता है अगर पोटेंशियल सेम है तो कोई भी करंट इस आर में फ्लो नहीं होगी है ना तो यहां पे देखो टू बाई फोर इज इक्वल टू टू बाई फोर ये दोनों आपस में बराबर हैं। है ना ये बराबर हो गए इसका मतलब है ये बैलेंस कंडीशन ब्रिज की है। अब बैलेंस कंडीशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मालूम है कि इस ओम रजिस्टर का यहां पे कोई काम नहीं है तो ऑब्वियस है कि इस आर्म का कोई काम नहीं रह गया तो ये फिगर कुछ सिंपली इस तरह से कन्वर्ट हो गया आपका फिगर कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया ठीक है ये देखो अब क्या है भाई यहां पे टू है यहां पे टू है यहां पे क्या है फोर है यहां पे क्या है फोर है अब इन दोनों को देखो A और B के बीच में तो मुझे निकालना है तो टू टू कैसे सीरीज में फोर, तो कैसे में बाकी दोनों आपस में कैसे पैरेलल में तो टू तो, टू तो का क्या हो गया सोल्यूशन सिंपली फोर और फोर फोर का क्या हो गया बताओ फोर फोर का क्या हो गया फोर फोर एट तो तुमको निकालना है तो दो के लिए तो फार्मूला जानते हो क्या होता है के बैलेंस क्या होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इसका मतलब है ये हो गया 4 into 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 दैट इज 12 तो 4 3 जा 12 दैट इज 8 by 3 ओम ठीक है तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 by 3 ओम क्लियर दिस इज डबल सॉल्यूशन तो अगर बैलेंस कंडीशन व्इड स्टोन ब्रिज की है तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा अब जरूरी नहीं है कि बैलेंस कंडीशन में ये यह ब्रिज आपको कुछ ऐसे ही सेब का दे ठीक है कोई जरूरत नहीं है ठीक है मतलब है कि ये मत मान के चलिए कि कि मतलब है मेरा सोल्यूशन जो होगा वो इसी तरह से सॉल्व होगा फिगर इसी तरह से बनेगा कभी कभी फिगर डिफरेंट मोड में बन सकते हैं जैसे मान लो कि ये एक फिगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे ठीक है यहां पे मान लो कि एक जो है कुछ इस तरह से बना हुआ ठीक है ये फिगर अब यहां पे ए और बी मान लिया मैंने अब यहां पे मान लो है ये टू यहां पे ये है फोर यहां पे ये है टू और यहां पे भी क्या लगा हुआ है ठीक है एक यहां पे भी लगा दे रहे फोर ठीक समझना मेरी बात तो यहां पे टू फोर टू फोर ठीक है अब इसको थोड़ा सा यहां पे इस क्वेश्चन को मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि इसमें क्या मतलब है कि ये रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा एक्चुअली फिगर कुल मिला के कोई जरूरी नहीं कि बैलेंस कंडीशन में एक्जैक्टली exactly इसी सेप का मेरा कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं कि बैलेंस कंडीशन में हमारा जो सेप है वो केवल ब्रिज सेप का ही बने है ना कुछ इस तरह से भी फिगर फॉर्म हो सकता है जैसे टू फोर यहाँ बैलेंस हो गया टू फोर यहाँ पे बैलेंस हो गया है ना तो पी अपान, टू आर अपान इस, तो बीच वाले का काम खत्म हो जाता है इसी तरह से आपका क्वेश्चन ट्राइंगल के सेप में भी कन्वर्ट हो सकता है ठीक तो इ, आ, इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स